आपकी शायद विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। अपना दल यस मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता जेपी दुबे ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल की दिशा निर्देशों का मैं पालन करूंगा। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अपना दल यस के नेता जेपी दुबे अपने आवास सरायबीका में प्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि अपना दल पार्टी की मजबूती के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। जेपी दुबे ने कहा कि इस बार के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल यस को सम्मानित भागीदारी मिलना चाहिए। एक सवाल के जवाब में जेपी दुबे ने कहा कि मैं बहन अनुप्रिया की नीतियों में अपना विश्वास रखकर अपना दल में शामिल हुआ हूं। जेपी दुबे ने कहा कि जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। दुबे ने कहा कि इस बार का विधानसभा का चुनाव एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव होगा, जो योग्य हो उनके बीच में रह सके। उन्होंने कहा कि जनता जागरूक हो गई है, जनता भी चाहती है कि इस बार जो विधायक चुने वो हमारे बीच का हो, ताकि हमारे दुख सुख में अपनी भागीदारी निभा सके। क्या कहा जेपी दुबे ने आप खुद सुन लीजिए। पेश है भारतीय सहार न्यूज नेटवर्क की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर, मैं हूं एसएस पांडे। आज हमारी सबकी नजर की टीम सरायबीका पहुंची है, जहां पर अपना दल में शामिल हुए जेपी दुबे, जिसको जय प्रकाश दुबे। आइए आपसे बात करते हैं, अपना दल में शामिल होने के बाद आगामी आपकी रणनीति क्या है मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। गठबंधन भाजपा के साथ, जो आपका गठबंधन मोदी सरकार के साथ हुआ है, अपना दल गठबंधन में, आप गठबंधन में शामिल हुए, अपना दल में शामिल होने के बाद क्या अगली रणनीति आपकी है विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। मेरा सबसे पहला कार्य है मुगराबाद शाहपुर में अपना दल का जो संगठन है उसको पूरी तरह से सुव्यवस्थित करना। आज के समय का मेरा सबसे पहली रणनीति होगी, क्योंकि विगत लगभग कई वर्षों से अपना दल के मेंबर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़े थे, गठबंधन के रूप में लड़े। ऐसे में जो संगठन है उसमें थोड़ी सी कमजोरी है, उसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो निचले स्तर तक अभी नहीं कंप्लीट हो पाया है। तभी हम लोगों की पूरी तरह से रणनीति है कि जो संगठनात्मक ढांचा है बूथ स्तर तक, इसे हमें मजबूती से एक तरह से फिर से पुनर्गठित करना है और मजबूती से खड़ा करना है, अभी मेरा यही उद्देश्य है। अगर हम 2022 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो तमाम प्रत्याशी अभी से ताल ठोक रहे हैं, अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, उसमें क्या तैयारी आपकी है? सरकार की आज जो नीतियाँ हैं पूरे प्रदेश भर में, ज़्यादातर जनता सरकार के पक्ष में है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुगराबाद शाहपुर में इस बार गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। जान आप मलनी उप विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी आप रह चुके हैं विधायक पद के, तो क्या जनता विश्वास करे कि आगामी आने वाला 2022 का चुनाव मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं बहन अनुप्रिया की नीतियों में विश्वास करके अपना दल को ज्वाइन किया हूँ और चाहता हूँ कि आने वाले समय में अपना दल की नीतियों के साथ चल करके ही पार्टी की सेवा करूँ। जैसा लोगों का विश्वास होगा, जैसा उनका आदेश होगा, हम लोग उसी आदेश का पालन करते हुए चुनाव की रणनीति बनाएंगे। अभी चुनाव काफ़ी दूर है, हम लोग अपने संगठन पे काम कर रहे हैं और उसी पे ध्यान दिए हुए हैं। यदि अगर बात कर लेते हैं जेपी दुबे जी आगामी विधानसभा चुनाव के अपना दल के प्रत्याशी हो गए मान के चल रहे हैं उदाहरण के तौर पर, तो क्षेत्र की जनता के बीच में एजेंडा क्या होगा? मुगराबाद शाहपुर विधानसभा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। आप देख रहे होंगे मुगरा ब्लॉक में जितने CBSE कॉलेज हैं उतना शायद किसी ब्लॉक में हो, तो जनता यहाँ की बहुत जागरूक है। इस बार का चुनाव एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव होगा, जो कि योग्य हो उनके बीच में रह सके। बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद के प्रत्याशी को नहीं जिताने जा रही जनता, यहाँ के लोकल प्रत्याशी को ही इस बार जनता जिताएगी। अभी पिछले चुनाव में आपने देखा कि जो विधायक जीते हुए हैं BSP से, आज क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हैं, तो इस बार की जनता, ये उनका पहला एजेंडा होगा
कि मुगरा विधानसभा क्षेत्र के निवासी को ही अपना विधायक बनाने जा रही है, ये निश्चित है। सबकी नज़र और भारतीय सारों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सब।